everyone, my name is Deepika Joshi. Welcome to our channel Diet Masala. For today's video, we have Dr. Srikant Sharma with us. मैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा एमडी मेडिसिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, यानी रेजिस्टेंस पावर है, जो हमको बाहरी होने वाले किसी भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो या पैरासिटिक हो, उससे हमें बचाती है। मोटे तौर पे देखी जाए तो ये एक्टिव या पैसिव दो तरीके की होती है। एक्टिव वो है जो शरीर हमारी खुद की डेवलप करता है। मान लीजिए किसी के कोई इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी उसके लिए एक विशेष टाइप की सेना बनाती है, वो इम्यूनिटी होती है। पैसिव वो है जो हमें बाहर से किसी रूप में, चाहे वो ड्रग्स से या इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीन से मिलती है, वो पैसिव है। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी या ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी एक्टिव ही मानी जाती है। हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन और इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्यूनिटी को मेंटेन करना या इंक्रीज करना व्यक्ति के आहार और विहार दोनों पर डिपेंड करता है। हम पहले हैं विहार की बात करते हैं, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम इंक्लूड करते हैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज और योगा। मेडिटेशन आपके मानसिक और अंदरूनी शक्ति को जागृत करता है, जिससे कि मनुष्य शांत रहे और उसकी जो बाकी सिस्टम्स हैं, जहाँ बाकी ऑर्गन्स हैं, वो सुचारू रूप से चलते रहें। जब हम योगा और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो योगा में हमारे शरीर की शुद्धता बनती है। एक्सरसाइज बोथ एनारोबिक और एरोबिक जरूरी है। इम्यूनिटी में डाइट का क्या रोल है? डाइट या आहार हमारा कैसा होना चाहिए? हमारी डाइट संतुलित यानी बैलेंस होनी चाहिए, हमारी डाइट संयमित यानी पैलेटेबल होनी चाहिए, हमारी डाइट उपयुक्त यानी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जब हम संतुलित या बैलेंस डाइट की बात करते हैं, हम जानते हैं कि प्रोटीन फाइबर्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी हमारे बॉडी में अपना अपना अलग रोल करते हैं, तो हमको इन सब चीज़ों का मिश्रण एक लेना चाहिए। सिर्फ एक चीज़, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ एक फूड आइटम्स हैं, चाहे ब्रोकली हो, चाहे विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे नींबू, आंवला, मौसमी हो, चाहे वह स्पिनच हो यानी पालक हो, तो इन सब का बैलेंस एक डाइट हो, वो हमारे खाने में सेवन हमको करना है, ताकि हमारी डाइट या तो मेंटेन रहे या उससे बढ़े। दूसरी बात आती है डाइट की उपयुक्त होना। एक बाल्यावस्था का बच्चा है या एक युवावस्था है या एक प्रसूता है या एक वृद्ध है, इन सब का शरीर के उपयुक्त होना भोजन होना चाहिए। जो भोजन हम लोग, जैसे हम एक प्रसूता को देते हैं जिसमें अजवाइन हम खिलाते हैं, घी खिलाते हैं या गोंद खिलाते हैं, वो भोजन हम बाल्यावस्था में नहीं देते हैं, यानी हमारे शरीर को उपयुक्त एक होना चाहिए भोजन, जो हमको डाइट मिलता रहे। इसी तरीके से ये जो डाइट है हमारी मौसम के हिसाब से भी उपयुक्त होना चाहिए। हम मौसमी फल व सब्जियां खाएं वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि कोल्ड स्टोरेज की सब्जियां वगैरह खाएं। आपने सुना होगा हमारी दादी नानी कहती हैं कि ये बेमौसम की सब्जियां या बेमौसम के फल खाने से बीमारी का रोग बनता है। हम आइसक्रीम सर्दियों में अवॉइड करें और हम गर्मियों में वो चीज़ अवॉइड करें जो कि सर्दियों में ही आया करती हैं और हमको गर्मियों में बिरले मिलती हैं। इसी तरीके से एक पैलेटेबल यानी संयमित भोजन। संयमित भोजन में यानी मसालों का प्लस पौष्टिकता, दोनों चीज़ का उसमें समन्वय हो, यानी उनका आपस में एक कोलेशन हो। मसाले अगर ऑर्गेनिक होंगे या ताज़े होंगे, जो कि हमारी दादी नानी आज तक करती आई हैं, और बिना मिलावट के होंगे, तो वो ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाने में फ़ायदा करेंगे। इसी तरीके से इस तो हम अगर बात करें तो हमारी डाइट स्वाद और पौष्टिकता का समन्वय यानी एक कोलेशन होना चाहिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। हम इम्यूनिटी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम इम्यूनिटी इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये सेना कोई भी बाहरी चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये बाहरी है, और उसको एलिमिनेट करे यानी उसको ख़त्म करे, इससे पहले कि या तो वो बीमारी पैदा करे या हमारे शरीर को कोई डैमेज पहुँचाए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्यूनिटी। Hope you liked our video, so don't forget to like, share, comment and subscribe our channel.